फोन में पैटर्न पिन पासवर्ड लग जाता है और आप उसे अनलॉक करने की कोशिश करते हो और आप चाहते हो कि मेरा डाटा लॉस ना हो। तो आज की वीडियो इसी पे है, आप लोग का विदाउट डाटा लॉस किस तरह से आप लोग फोन अनलॉक करोगे ताकि आपका पैटर्न पिन पासवर्ड जो है वो इरेज जाए और लेकिन आपका डाटा जो भी फोटो वीडियो आपका जो भी डॉक्यूमेंट। आज की वीडियो कंप्लीट देखिए, मैं आपको चलिए प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से आप लोग विदाउट डाटा लॉस किए ही आप अपना फोन अनलॉक कर पाओगे, क्योंकि इसके ऊपर भी कई सारे टूल आ चुके हैं। और अपना फोन को कैसे करना है, तो आप लोग UFED टूल Samsung में UFED टूल के माध्यम से आप लोग फोन का पैटर्न पिन पासवर्ड रिमूव कर सकते हो और काफी इजिली Samsung के फोन इजिली हो जाते हैं और ओप्पो वीवो रियलमी भी हो जाते हैं। तो आप लोग यदि फोन में पैटर्न पिन लग गया है तो आप अपना ईमेल आईडी के थ्रू भी अनलॉक कर सकते हो। ईमेल आईडी यदि आपका पता है तो आप लोग पासवर्ड ईमेल आईडी के थ्रू जो है इरेज ऑप्शन पे जाके अपना फ़ोन का जो है पैटर्न रीसेट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे डाटा लॉस हो सकता है। लेकिन आप यदि टूल के हेल्प से करते हो UFED टूल के, तो आपका जहाँ तक है फ़ोन अनलॉक हो जाएगा और आपका डाटा लॉस नहीं होगा जो भी आपने उसमें डॉक्यूमेंट सेव रखा है। तो काफ़ी जो है Samsung, Vivo, Oppo, Realme जो भी फ़ोन यूज़ करते हो आप एक बार UFED टूल को ट्राई कर सकते हो, फ्री है और इसके ऊपर कई सारे वीडियो भी बने हैं और काफ़ी दिन पहले भी आया था, लेकिन अभी हमारे पास Samsung C9 Pro आया था तो कस्टमर का मैंने जो है फ़ोन अनलॉक किया, काफ़ी ईजिली तरीके से अनलॉक हो गया। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, C9 Pro था और अनलॉक ईजिली तरीके से हो गया। और आप लोग को पता है मेरे शॉप पे जो है फ़ोन अनलॉकिंग और जो है हार्डवेयर रिलेटेड मैं काम करता हूँ और काफ़ी दिनों से टेक्निकल दीपक चैनल आप लोग के लिए जो है प्रोवाइड करता हूँ विदाउट जो है PC वाला मेथड मैं ज़्यादा बताता हूँ ताकि आप लोग घर बैठे विदाउट PC कर पाओ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास PC नहीं होता यानी पर्सनल कंप्यूटर जो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अपना जो है वीडियो के माध्यम से मेरे हेल्प से आप लोग जो है फ़ोन अनलॉक घर बैठे कर सकते हो। तो ये तरीका है, आप लोग फ़ोन घर बैठे इजीली तरीके से खोल सकते हो। और भी कुछ तरह का जो है रियलमी ओप्पो में ज़्यादातर आप लोग देखते हो कि वो फ़ोन अनलॉक नहीं होते, क्योंकि उसमें जो है हाई सिक्योरिटी रहती है और उसका जो है EMC के थ्रू ही फ़ोन अनलॉक होता है। लेकिन आजकल जो है टूल भी आ चुके हैं और सर्विस सेंटर में तो मैं बता चुका हूँ फ्री में अनलॉक हो जाते हैं, तो एक बार सर्विस सेंटर में विजिट कर सकते हैं। और भी कुछ पूछना रहता है तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, क्योंकि अभी जो है गर्मी कम हो रही थी, सेटअप पे वीडियो कम बना रहे थे, अभी जो है सेटअप में आगे वीडियो बना रहा है, बारिश भी चालू हो चुकी है। और कुछ पूछना रहता तो कमेंट कर दिया करो। अभी मैंने कुछ रिसेंट में जो है Realme C11 के ऊपर डाला था तो उस वीडियो वायरल गया, आप लोग इसी तरह से सपोर्ट और प्यार करते रहो और सपोर्ट करते रहोगे। और जल्दी जल्दी आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हो चैनल सब्सक्राइब नहीं करके रखते हो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय फ्रेंड्स।